नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का चौकीदार हम सबको, हमारी जनता को बेवकूफ बना रहा है, यानी कि झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और हम मान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है, दो साल में दो गवर्नर ने इस्तीफा दिया है और सरकार कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और हम मान लेते हैं। सीबीआई में जो झगड़ा चल रहा है वो भी किसी से नहीं छुपा है, आप सबको पता है, पर सरकार इस पर भी कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है और हम मान लेते हैं कि सरकार सही कह रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन पर सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और सरकार से पूछा जाता है कि क्या यह बात सच है, तो सरकार कहती है कि ये आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम मान लेते हैं कि सरकार सही कह रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक आदमी लाखों का सूट पहनकर घूमता है और कहता है मैं गरीब हूं, मैं झोला लेके चलता हूं और हम मान लेते हैं। दोस्तों, सीबीआई, एनआईए, आर्मी सब उसके कंट्रोल में है, पर वो कहता है कि मुझे सताया जा रहा है और हम मान लेते हैं कि सरकार सच बोल रही है। जिनकी सरकार पूर्ण बहुमत में है और जिसके 20 राज्यों से भी ज्यादा जगहों पर शासन है, वो कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और हम मान लेते हैं कि सरकार सही कह रही है। दोस्तों, जिसके शासन काल में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए, वो कहते हैं कि हमसे दुश्मन कांपते हैं और हम मान लेते हैं कि ये सही बोल रहे हैं। जिनके समय में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि किसान की आय दुगनी कर दी गई है और हम मान लेते हैं कि सरकार सच बोल रही है। ऐसे ही कितने झूठ रोज फैलाए जाते हैं और हम उस झूठ को मान लेते हैं। दोस्तों, याद रहे, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उनसे भी रण करना पड़ता है। दोस्तों, इस रण में आपका अपना वोट, आपका अपना हथियार है। दोस्तों, जागरूक बने, नहीं तो ये आपको आपस में ही लड़ाएंगे और आप पर शासन करेंगे। और हां, याद रहे दोस्तों, काम नहीं कारनामे बोलते।